पहाड़ों की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा कम होती है। जितनी ज्यादा ऊंचाई बढ़ती जाती है तो ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटी पर चढ़ने के लिए पर्वतारोही अपनी पीठ पर एक विशेष प्रकार का सिलेंडर लगाकर चलते हैं और उसका एक सिरा अपने मुंह के पास रखते हैं। इन विशेष प्रकार के टैंकों में ऑक्सीजन गैस भरी होती है, जिसे हमारी पृथ्वी पर प्राण वायु भी कहते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले हर जीव को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ पेड़ पौधों को भी रात में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जहां दिन के उजाले में पेड़ पौधे सूरज की रोशनी के साथ फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस बनाते हैं, तो वहीं रात को सूरज की रोशनी की अनुपस्थिति में ये अपनी श्वसन क्रिया ऑक्सीजन के द्वारा ही करते हैं। ऑक्सीजन की एक निश्चित मात्रा ही पृथ्वी को इस पूरे ब्रह्मांड में जीवन से भरपूर ग्रह बनाती है। हम जैसे जीवों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की एक विशेष मात्रा सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर ही पाई जाती है, जो कि श्वसन के लिए आवश्यक होती है। आपने सुना होगा कि अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, तो आपके मन में सवाल उठता होगा कि बिना ऑक्सीजन के कारण किस तरीके से वहां पर एस्ट्रोनोमर जिंदा रह पाते हैं। इसका जवाब है कि वे अपने साथ वहां पर ऑक्सीजन गैस लेकर जाते हैं। जब कोई एस्ट्रोनोमर अंतरिक्ष में कदम रखता है तो वो एक विशेष प्रकार का स्पेस सूट पहनकर निकलता है, जिसकी पीठ पर दो सिलेंडर बंधे होते हैं और इन सिलेंडर में प्राण वायु यानी कि ऑक्सीजन भरी होती है। इसका सीधा सा अर्थ है कि हम चाहे कितनी भी उन्नति कर ले, लेकिन हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती ही है। इसी ऑक्सीजन के कारण हमारे शरीर में भोजन के पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है और हमें ऊर्जा मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे जीवित रहने के लिए सबसे आवश्यक यह प्राण वायु ऑक्सीजन आई कहां से? क्या हमेशा से ये पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित थी? तो इसके जवाब के लिए हमें जाना होगा पृथ्वी के शुरुआती वर्षों में। इस घटना का जवाब देने के लिए अनेक थ्योरी काम करती है। उनमें से एक थ्योरी का मानना है कि जब अरबों साल पहले ये डस्ट क्लाउड पावरफुल ग्रेविटी के कारण एक दूसरे से मिल रहे थे, तब पृथ्वी एक आग का गोला थी। इस आग के गोले का तापमान लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। इस तापमान में पृथ्वी पर किसी भी तरह का कोई वायुमंडल उपस्थित नहीं था। उथल पुथल भरे इस ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही भरी हुई थी। हाइड्रोजन गैस के परमाणु पृथ्वी की पावरफुल ग्रेविटी के संपर्क में आए तो दो परमाणुओं को आपस में मिलने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस तरीके से पहले हीलियम परमाणु का जन्म हुआ। इस थ्योरी के मुताबिक लगातार इस तरह से परमाणु आपस में जुड़ते रहे और नए नए परमाणुओं का जन्म होता रहा। इसी प्रोसेस के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस बनी। वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जाता है कि पृथ्वी पर लगातार होने वाले ज्वालामुखियों के विस्फोट और लगातार होने वाली मेट्रोएड्स की बारिश की वजह से कुछ मेट्रोएड्स अपने साथ बर्फ लेकर आए थे। जब वे मेट्रोएड्स पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर रहे थे, तब उनकी बर्फ पृथ्वी के बढ़ते तापमान के कारण जल वाष्प में बदल गई और पृथ्वी के वायुमंडल में चली गई। वहीं पृथ्वी की सतह पर लगातार फटते हुए ज्वालामुखियों के कारण भी कुछ जल वाष्प निकली और ये जल वाष्प हाई टेम्परेचर और लगातार आकाश में चमकने वाली बिजली की वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मौलिक रूप में टूट गई। इस तरह से पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन एटम की संख्या बढ़ने लगी। वैज्ञानिक इस थ्योरी को भी सही मानते हैं, लेकिन इसके आगे सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहते हैं कि पृथ्वी के ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से इतनी ऑक्सीजन नहीं बन सकती थी कि पृथ्वी पर जीवन पनप सके, और ना ही किसी मेट्रोएड्स के साथ इतनी ऑक्सीजन पृथ्वी के वातावरण तक आ सकती है कि वो इस वायुमंडल में एक सबसे आवश्यक गैस का रूप ले ले। इसके जवाब में वैज्ञानिक कहते हैं कि जब शुरुआती समय में पृथ्वी एक गर्म आग का गोला थी और पृथ्वी के वातावरण में लगातार फटते ज्वालामुखी से निकली गैसों और लगातार होती मेट्रोएड्स की बारिश की वजह से निकली हुई गैसों ने पृथ्वी के चारों ओर एक वायुमंडल का निर्माण कर लिया था, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत बड़ी मात्रा थी।
इसी समय लगातार होते रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप पहले एमिनो एसिड ने जन्म लिया और इन्हीं एमिनो एसिड के जन्म के बाद डीएनए जैसी मूलभूत संरचनाओं का जन्म हुआ। डीएनए जैसी संरचना के बनने के बाद पहली बार एक कोशिकीय जीव का जन्म हुआ। एक कोशिकीय जीव में कुछ जीव ऐसे भी पैदा हुए जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को पूरा कर सकते थे। वे वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन में बदल सकते थे। ये बैक्टीरिया पृथ्वी की कार्बन डाइऑक्साइड को अब लगातार अवशोषित करते और उसे ऑक्सीजन में बदलने लगे। लाखों सालों के बाद इन्हीं एक कोशिकीय जीव के डीएनए में लगातार होती आनुवंशिक परिवर्तन से पृथ्वी के महासागर में छोटे छोटे पेड़ पौधे जन्म लेने लगे। ये हरे पेड़ पौधे अपनी पत्तियों में क्लोरोफिल नामक रसायन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से ऑक्सीजन गैस बनाने लगे। समुद्री जीवन में लगातार पेड़ पौधों की संख्या बढ़ने से वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, लेकिन वायुमंडल में अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज्यादा मात्रा थी, क्योंकि अभी भी पृथ्वी पर कहीं कहीं बड़े बड़े ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे और पृथ्वी के सघन वातावरण के बाद भी कुछ मेट्रोवेट्स इतने बड़े होते थे कि वे पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाते थे। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने पर ये पृथ्वी के वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसों को बढ़ाते थे, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ती थी। तो लगातार उद्विकास के इस परिवर्तन के दौर से गुजरती हुई पृथ्वी पर लाखों सालों के बाद पृथ्वी की सतह पर भी पेड़ पौधों ने जन्म लेना शुरू किया। पृथ्वी की सतह पर ऐसे पेड़ पौधे बढ़ने लगे जो काफी विशाल थे। लाखों सालों तक चलने वाली इस प्रोसेस में लगातार पृथ्वी की सतह पर पेड़ पौधों के बढ़ने से पूरी पृथ्वी हरी भरी हो गई और बड़ी संख्या में पेड़ पौधों के बढ़ने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे अवशोषित करने लगे और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा उन्हें ऑक्सीजन के एटम्स में बदलने लगे। और इस प्रोसेस के बाद पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आने लगी और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। बढ़ती इसी ऑक्सीजन की मात्रा ने पृथ्वी को रहने लायक बना दिया और आज से लगभग 23 करोड़ साल पहले पृथ्वी का वायुमंडल लगभग आज के वायुमंडल के समान बन गया और हमें मिली प्राण वायु ऑक्सीजन से युक्त पृथ्वी। लेकिन हजारों सालों तक लोगों को ऑक्सीजन नाम की किसी भी गैस का पता नहीं था और ना ही वे जानते थे कि ऑक्सीजन नाम की किसी गैस पर वे जीवित रहते हैं। तो जब हजारों सालों तक लोगों को ये नहीं पता था कि वो किस गैस पर जीवित रहते हैं, तो ये मानिए कि मनुष्य की वैज्ञानिक उन्नति भी सिर्फ पृथ्वी की सतह तक ही थी। बिना ऑक्सीजन के उपयोग के ना तो समुद्र की गहराई में जाकर समुद्र में छिपे राजों को जाना जा सकता था और ना ही अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक जाकर किसी भी राज को जान सकते थे। तो हम कह सकते हैं कि किसी समुद्र में जाकर नई दुनिया खोजना और अंतरिक्ष में जाकर नए ग्रहों तक और चंद्रमा तक अपने कदम रखने से भी बड़ी खोज थी जब मनुष्य ने ये जाना कि ऑक्सीजन क्या होती है। प्राचीन भारतीय मानते थे कि हमारा ये शरीर और ये पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये 5 तत्व थे जल, थल, नभ, वायु और अग्नि। वे भले ये जानते हैं कि जीवन के लिए 5 तत्व होते हैं जिनमें से एक हवा भी होती है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि जीने के लिए 5 तत्वों में से एक तत्व हवा कौन सी गैस होती है। इन 5 तत्वों की मान्यता के आधार पर प्राचीन मानव अपने सभी सिद्धांतों को बनाता रहा और ये सिद्धांत 19वीं शताब्दी तक चलते रहे। 19वीं शताब्दी तक मानव किसी ऑक्सीजन नाम की चिड़िया तक का नाम नहीं जानता था। लेकिन एक चीज थी जो उसे हमेशा परेशान करती थी कि यह आग कैसे जलती है, क्योंकि आग हमेशा ही आकर्षण का कारण रही थी। वो आग ही थी जो चीजों का स्वरूप बदल सकती थी और ये स्वरूप आग आज भी बदलती है। ये कोई चमत्कारी घटना नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से एक कागज को आग के संपर्क में जब रखा जाता है तो वो जलकर राख हो जाता है, कागज राख में बदल जाता है, तो वहीं जब हम गीले आटे को आग पर रखते हैं तो उससे रोटियां बन जाती है, तथा जब रोटियों को आग पर रखते हैं
तो वो राख बन जाती है। इस तरह से आग प्राचीन समय से लेकर आधुनिक काल तक चीजों का स्वरूप बदलती रही और हमेशा एक प्रश्न खड़ा करती रही कि आग ऐसा क्यों कर पाती है और किस तरह कर पाती है। इसी के साथ एक सवाल और था जो मनुष्य को परेशान करता रहा कि जब आग जलती है तो उसे फूंक देने पर वो कैसे बुझ जाती है, इसके पीछे क्या कारण था। हमेशा से परेशान मानव की क्यूरियोसिटी ने उसे हर रोज नए नए प्रयोग करके ये पता लगाने के लिए मजबूर किया कि ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से आग किसी पदार्थ का स्वरूप बदल देती है। इसी क्यूरियोसिटी के कारण 17वीं शताब्दी में एक यूरोपियन वैज्ञानिक जॉर्ज फर्नेस्ट स्टॉल ने एक बहुत ही मजेदार प्रयोग किया। स्टॉल ने कुछ कागज के टुकड़े लिए और उनका वजन किया। इसके बाद उन्होंने इन कागज को आग लगा दी और देखा कि कागजों का वजन घट करके बहुत ज्यादा कम हो गया है। ये बहुत ही आश्चर्य की बात थी क्योंकि कागज को जलाने पर कुछ भी घटता हुआ दिखाई नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद भी कागज का वजन कम हो गया। इस घटना को समझाने के लिए स्टॉल ने कहा कि कागजों को जलाने पर कागजों से फ्लोजिटोन नाम का एक पदार्थ पूरे तरीके से बाहर निकल जाता है और अंत में बचता है सिर्फ कागज। स्टॉल ने फ्लोजिटोन शब्द ग्रीक भाषा से लिया था जिसका अर्थ होता है दहन। स्टॉल ने कहा कि कागज को जलाने पर निकलने वाला ये फ्लोजिटोन पूरे तरीके से रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन है। इस प्रयोग के अलावा स्टॉल ने एक प्रयोग और किया। उन्होंने एक मोमबत्ती जलाई और उस जलती मोमबत्ती को जार से ढक दिया। कुछ सेकंड के बाद ही मोमबत्ती बुझ जाती है, जबकि स्टॉल के अनुसार मोमबत्ती को तब तक जलना चाहिए था जब तक मोमबत्ती का फ्लोजिटोन पूरे तरीके से खत्म नहीं हो जाता। लेकिन मोमबत्ती तो पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई थी और जार के रखते ही बुझ गई। इसका जवाब देते हुए स्टॉल ने कहा कि हवा में फ्लोजिटोन को अवशोषित करने की एक निश्चित क्षमता होती है और जब हम मोमबत्ती को किसी जार से ढकते हैं तब उसके अंदर की हवा मोमबत्ती के फ्लोजिटोन को अवशोषित करने लगती है। जब हवा में उस फ्लोजिटोन को अवशोषित करने की अपनी तय मात्रा पर पहुंच जाती है तब फ्लोजिटोन के पूरे तरीके से अवशोषित होने की वजह से मोमबत्ती की लौ बुझ जाती है। इसके अलावा स्टॉल ने कहा कि कोई भी पदार्थ फ्लोजिटोन और क्लैक्स नाम के दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। जब इस पदार्थ को जलाया जाता है तो ये क्लैक्स बच जाता है और फ्लोजिटोन उड़ जाता है। इस वजह से उस पदार्थ का वजन कम हो जाता है। लेकिन स्टॉल का ये सिद्धांत हर जगह पर लागू नहीं हो पाया क्योंकि जब किसी कच्चे लोहे को जलाया जाता है तब अंत में उसमें जंग बचती है। जलाने से पहले जब कोयले का वजन किया जाता है और जलाने के बाद बची हुई जंग का वजन किया जाता है तब दोनों में अंतर मिलता है। जलाने से पहले कोयले का वजन कम होता है तो वहीं जलाने के बाद बची हुई जंग को तोलने पर उसका वजन ज्यादा मिलता है। उस समय इस जंग को क्लैक्स कहा जाता था। अब स्टॉल का ये सिद्धांत इस बात का जवाब नहीं दे पाता है कि क्लैक्स तो बच जाता है और फ्लोजिटोन उड़ जाता है तो फिर किस कारण से ये वजन बढ़ता है। सदियों तक मनुष्य इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करता रहा और विश्वास करता रहा कि कोई भी पदार्थ फ्लोजिटोन और क्लैक्स नाम के दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। स्टॉल का ये सिद्धांत लगभग एक शताब्दी तक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मान्य रहा। ये सिद्धांत कितना सही था ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उस समय के वैज्ञानिक क्लैक्स और फ्लोजिटोन की ही बात कर रहे थे जबकि उन्होंने एक दूसरे तत्व उस पदार्थ के जलने पर निकलने वाले तत्व पर अपना अध्ययन केंद्रित नहीं किया, क्योंकि हो सकता है कि किसी और चीज का अध्ययन करने के लिए हमारे पास उस वस्तु का होना आवश्यक हो ताकि उसकी जांच कर सके। पृथ्वी पर कोई पदार्थ तीन अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड को हम मुट्ठी में बंद कर सकते हैं, किसी भी बर्तन में पैक करके रख सकते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से लिक्विड को भी हम किसी बर्तन में इकट्ठा करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हवा को यानी गैस की अवस्था में किसी पदार्थ को पकड़ पाना और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का उस समय कोई भी साधन उपलब्ध नहीं था।
और शायद यही कारण था कि उस समय के वैज्ञानिक किसी वस्तु के जलने पर तो विचार कर रहे थे, लेकिन वस्तु के जलने के बाद निकलने वाले धुएं पर बिल्कुल भी ध्यान देना नहीं चाहते थे। जहां पहले लोग ये मानते थे कि हवा को कैद कर पाना बहुत ही मुश्किल है या नामुमकिन है, वहां 1725 में हेल नाम के एक पादरी ने दावा किया कि वह पदार्थों से निकलने वाली इस धुएं को कैद कर सकता है। पादरी हेल ने इस प्रकार की गैस को किसी भी बर्तन में कैद करने का रासायनिक प्रयोगों के द्वारा एक नया तरीका दुनिया को बताया। उन्होंने अपने प्रयोगों में बताया कि उन्होंने क्लैक्स लिया और इसमें अंडे की सफेद परत को डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हवा नहीं निकल पाए, इसके लिए उन्होंने रबर का ढक्कन लगा दिया और उस ढक्कन को एक पाइप से जोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने उस पाइप को पानी से भरे एक बर्तन के अंदर डाला और एक कांच का गिलास पानी से भरा हुआ लिया। उस पानी से भरे हुए गिलास को उस पानी से भरे बर्तन में पाइप के ऊपर उढ़ेल दिया। इसके बाद उन्होंने जिसमें अंडे की सफेद परत थी उस बर्तन में नींबू के रस की कुछ बूंदे टपकाई और देखा कि ग्लास के पानी में बुलबुले उठने लगे हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था बुलबुलों की संख्या भी बढ़ रही थी और लगातार वे ग्लास में एकत्रित हो रहे थे। ग्लास में बुलबुलों के पहुंचने की वजह से ग्लास के पानी का जल स्तर घटने लगा। इस तरह से उन्होंने बताया कि ग्लास के पानी का स्तर इसलिए कम हो रहा था कि वहां पर हवा इकट्ठी हो रही थी। लगातार इकट्ठी होती हवा पानी को बाहर निकाल रही थी और उस जगह पर अपनी जगह बना रही थी। तो हेल का ये एक्सपेरिमेंट वैज्ञानिकों के लिए किसी पारस पत्थर से कम नहीं था, क्योंकि इससे पहले वैज्ञानिक सॉलिड और लिक्विड पर ही अपने प्रयोग कर सकते थे। लेकिन हेल के इस एक्सपेरिमेंट ने उनके लिए हवा पर भी एक्सपेरिमेंट करने के काफी सारे रास्ते खोल दिए और इसके बाद तो जैसे जैसे इस पर प्रयोग करने की बाढ़ ही आ गई थी। तो ऐसा ही एक प्रयोग स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक जोसेफ ब्लैक ने किया। उन्होंने एक परख नली में लाइमस्टोन को गर्म किया और उस परख नली के ऊपर दूसरी परख नली रखी। इसके बाद उन्होंने उस दूसरी परख नली को जलती हुई मोमबत्ती की लौ के ऊपर लेकर गए और देखते हैं कि मोमबत्ती तुरंत ही बुझ जाती है। ये पूरी दुनिया के लिए एक नया प्रयोग था, क्योंकि स्टॉल के अनुसार मोमबत्ती को तब तक जलते रहना चाहिए था जब तक उस जार के अंदर पूरे तरीके से फ्लोजिटोन खत्म नहीं हो जाता। लेकिन यहाँ पर तो मोमबत्ती कुछ सेकंड भी नहीं जल पाई। इसका मतलब ये था कि इस जार में कुछ तो ऐसा था जो आग को जलने से रोक रहा था। जोसेफ ब्लैक ने इस गैस को फिक्स गैस नाम दिया और हम जानते हैं कि वो फिक्स गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही थी। पहली बार पूरी दुनिया के सामने ये साबित हुआ कि हवा अनेक प्रकार की गैसों से मिलकर बनी होती है, जबकि जोसेफ ब्लैक से पहले ये माना जाता था कि हवा अपने आप में एक तत्व है। हवा अनेक प्रकार के तत्वों से मिलकर नहीं बनी है, लेकिन जोसेफ ब्लैक के इस प्रयोग ने पुरानी धारणाओं को तोड़ दिया। गैस के साथ लगातार चलते ऐसे ही प्रयोग की इस कड़ी में इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्टली का नाम भी जुड़ गया। प्रिस्टली ने 1774 में अपनी प्रयोगशाला में एक प्रयोग किया। उन्होंने मरकरी के साथ एक बहुत ही मजेदार प्रयोग किया। उन्होंने सबसे पहले मरकरी को गर्म किया और उससे निकलने वाली गैस को वातावरण में छोड़ दिया और मरकरी को एक निर्वात जार में बंद कर दिया ताकि मरकरी में उपस्थित सारा फ्लोजिटोन निकल जाए, क्योंकि उस समय भी यही मान्यता थी कि पदार्थ फ्लोजिटोन और क्लैक्स से मिलकर बने होते हैं। अब प्रिस्टली के पास सिर्फ क्लैक्स ही बचा था, लेकिन अब समस्या ये थी कि यदि इस जार से क्लैक्स को बाहर निकाला जाता तो क्लैक्स के साथ हवा जो वास्तव में उपस्थित थी वो क्लैक्स के साथ मिल सकती थी, लेकिन प्रिस्टली नहीं चाहते थे कि क्लैक्स के साथ कोई हवा मिले। इसलिए वे कोई ऐसा उपाय ढूंढना चाहते थे जिससे वो अपने क्लैक्स को बिना जार से बाहर निकाले ही एक बार फिर से गर्म कर सकते और उससे निकलने वाली गैस को कैद कर सकते। तो ऐसे ही एक दिन उनके दिमाग में आइडिया आया कि जार को मैग्नीफाइंग ग्लास को काम में लेकर सूरज की रोशनी को उपयोग करके क्लैक्स को गर्म किया जाए। ऐसा विचार आते ही तुरंत ही उन्होंने अपना प्रयोग शुरू कर दिया। प्रिस्टली ने इस प्रयोग में मरकरी से निकलने वाली गैस को एक जार में कैद कर लिया। इसके बाद प्रिस्टली ने जार में कैद हुई गैस की जांच करने के बारे में सोचा।
उन्होंने उस जार से मोमबत्ती को ढक दिया और देखा कि अब मोमबत्ती बुझी नहीं, बल्कि वो तो और तेजी से जलने लगी। तो ये अब तक का सबसे आश्चर्यजनक प्रयोग था, क्योंकि इससे पहले जोसेफ ब्लैक के प्रयोग से पूरी दुनिया ने ये जाना था कि हवा में कोई ऐसा भी तत्व होता है जो आग को बुझा देता है। लेकिन प्रिस्ली के प्रयोग ने पूरी दुनिया को ये भी बताया कि उसी हवा में एक तत्व ऐसा भी होता है जो आग को और तेजी के साथ लंबे समय तक जलाकर रख सकता है। इसके परिणामों से उत्साहित प्रिस्ली ने इस गैस की जांच करने के बारे में सोचा और उन्हें लगा कि कहीं ये गैस जहरीली तो नहीं है। उन्होंने दो जार लिए, एक जार में सामान्य हवा थी तो दूसरे जार में मरकरी को गर्म करने से इकट्ठा हुई गैस थी। इसी के साथ उन्होंने दो चूहों के लिए दोनों जार में दोनों चूहों को बंद कर दिया और पाया कि जिस जार में सामान्य हवा भरी हुई थी उस जार में बंद चूहा 15 मिनट में तड़पने लगा, जबकि दूसरे जार में बंद चूहा लगभग 30 मिनट के बाद भी अभी भी सुरक्षित था और सामान्य तरीके से व्यवहार कर रहा था। प्रिस्ली ने निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने अपने जार में एक ऐसी गैस को बंद कर लिया है जो मोमबत्ती को ज्यादा समय तक जलाए रख सकती है, साथ ही साथ वो चूहों को भी ज्यादा देर तक जिंदा रख सकती है। पूरी दुनिया के सामने पहली बार ये सिद्ध हुआ कि हवा में कोई ऐसी गैस होती है जिसके कारण हम सांस ले पाते हैं और जिंदा रहते हैं। प्रिस्ली ने इस गैस को द डीफ्लोजिटोन का नाम दिया। इसी प्रयोग को लावात्सिए नाम के एक वैज्ञानिक ने अपनी प्रयोगशाला में किया और निष्कर्ष निकाला कि जब मरकरी लोहे जैसी वस्तुओं को जलाया जाता है तो ये हवा में उपस्थित एक विशेष प्रकार की गैस को सोख लेती है, जिसकी वजह से गर्म करने पर इनका वजन बढ़ जाता है तथा लकड़ी और कागज जैसे कुछ पदार्थ जलाने पर उस गैस को अवशोषित नहीं करते हैं बल्कि अपने अंदर ही स्थित कार्बन को मुक्त कर देते हैं, जिसके कारण उनका वजन कम हो जाता है। लावात्सिए ने पाया कि जो चीज गर्म करने पर मरकरी और लोहे का वजन बढ़ा रही थी वो हवा में उपस्थित एक विशेष प्रकार की गैस थी, जिसे लावात्सिए ने ऑक्सीजन नाम दिया। तो इस तरह से पहली बार पूरी दुनिया में ऑक्सीजन नाम की एक ऐसी गैस की जानकारी मनुष्य को हुई जो आग को ज्यादा समय तक जला सकती थी, साथ ही साथ ये हमारे जीने के लिए भी आवश्यक थी। हमने पृथ्वी पर बनने वाली ऑक्सीजन गैस से लेकर के मनुष्य के ध्यान में आई पहली बार ऑक्सीजन नाम की गैस तक का सफर तय कर लिया है। हम सब जानते हैं कि मनुष्य और पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु ऑक्सीजन गैस अपनी श्वसन क्रिया में अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। इसके कारण इस वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बदल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वातावरण में ऑक्सीजन की 21% मात्रा ही बनी रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर भी नहीं बदलता है। इसका क्या कारण है? किस तरह से वायुमंडल में ऑक्सीजन का चक्र चलता है और वायुमंडल की ऑक्सीजन उससे निश्चित मात्रा में बनी रहती है? तो ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में 21% हिस्सेदारी रखती है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन का उपयोग लगभग हर कोई करता है। इस ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा उपयोग श्वसन क्रिया में किया जाता है। पृथ्वी पर रहने वाला हर एक जीव अपनी श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। साथ ही साथ पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले हरे पेड़ पौधे रात्रि में सूर्य की रोशनी की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन का अवशोषण करते हुए रात्रि में श्वसन की क्रिया को पूरा करते हैं। पृथ्वी पर ऑक्सीजन चक्र अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा पूर्ण होता है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन सबसे प्रचुर मात्रा पानी से भरे जलाशयों में पाई जाती है। इसके अलावा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पृथ्वी की मेंटल और क्रस्ट में पाई जाती है, जहां पर ये सिलिकेट और ऑक्साइड खनिजों के रूप में जमा रहती है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के वायुमंडल की कुल ऑक्सीजन का 99% भाग पृथ्वी के मेंटल और क्रस्ट में छिपी सिलिकेट और ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। बाकी की बची हुई ऑक्सीजन पृथ्वी के वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल में पाई जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती है। इनमें सबसे ज्यादा 78% के आसपास नाइट्रोजन गैस होती है तो 21% के आसपास ऑक्सीजन गैस पाई जाती है।
बाकी की 1% गैस में सभी प्रकार की गैस पाई जाती है। हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में मात्रा के हिसाब से ऑक्सीजन 20.9% होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन अनेक प्रकार के रूपों में पाई जाती है। यहाँ पर ये ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में इकट्ठा रहती है। पृथ्वी के बायोस्फीयर रिजर्व में वायुमंडल में पाई जाने वाली कुल ऑक्सीजन का 22% भाग में पाया जाता है, जहाँ ये नाइट्रोजन के एटम के साथ मिलकर के पानी का रूप ले लेती है। इसके अलावा वायुमंडल की टोटल ऑक्सीजन का 33% भाग हाइड्रोस्फीयर में पाया जाता है। इसके अलावा स्थल मंडल में 46.6% भाग ऑक्सीजन पाई जाती है। इसके अलावा ऑक्सीजन उत्पादन अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा भी होता है। पौधे वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में पानी के साथ क्रिया करके फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इसके अलावा महासागरों में भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा बहुत सारी ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ी जाती है। 1986 में एक खोज में पाया गया कि समुद्र की तलहटी में कुछ छोटे छोटे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा महासागरों में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इस खोज में पाया गया कि साइनोबैक्टीरियम प्रोक्लोरोंकोक नाम का ये बैक्टीरिया समुद्र में आने वाली सूर्य की रोशनी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रकृति में जैविक क्रियाओं के द्वारा ही ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है। प्रकृति में कुछ ऐसी भी प्रक्रियाएं होती है जहां जैविक रूप से भी ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है। हम जानते हैं कि हमारा सूर्य पराबैंगनी किरणों का एक बहुत बड़ा भंडार है। सूर्य से आने वाली ये पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो यहाँ पर उपस्थित वाटर वेपर पर आती हैं, जिससे ये उसे हाइड्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल में तोड़ देती है। इसके अलावा ये पराबैंगनी किरणें वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रस ऑक्साइड को भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में तोड़ देती है। इस तरह से सूर्य की किरणें भी वायुमंडल में ऑक्सीजन चक्र के द्वारा ऑक्सीजन को पूरा करने की प्रक्रिया में अपना योगदान देती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकने का काम वायुमंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत करती है। इस ओजोन परत को हम पृथ्वी की रक्षा कवच कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणें यदि सीधी पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाए तो पूरी पृथ्वी को जला करके भस्म कर देंगी। भले ही ये पराबैंगनी किरणें हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो, लेकिन इन्हीं पराबैंगनी किरणों के कारण हमारी सुरक्षा कवच यानी ओजोन लेयर का विकास हुआ है। अगर ये पराबैंगनी किरणें नहीं होती तो हमारे वायुमंडल में ओजोन परत भी नहीं होती। जब सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो यहाँ पर उपस्थित ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर दो ऑक्सीजन के परमाणु बनते हैं। और जब ये ऑक्सीजन परमाणु दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं तब ये ओजोन के एक अणु में बदल जाते हैं। ओजोन का जब ये अणु एक बार फिर से अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आता है तब ये फिर से ऑक्सीजन रिलीज करता है और साथ ही साथ एक और इनका परमाणु भी बना लेता है। इस तरह से सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन चक्र को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। ऑक्सीजन के उत्पादन से संबंधित आंकड़े आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ ऐसे आंकड़े दे रहे हैं जो पूरे एक साल में ऑक्सीजन के उत्पादन से संबंधित है। धरती पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा यानी पौधों के द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण से 16,500 × 10^10 किलो ऑक्सीजन हर साल उत्पादित की जाती है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन के उत्पादन का सबसे बड़ा दूसरा केंद्र महासागरों में होने वाला प्रकाश संश्लेषण है। महासागर में पाए जाने वाले हरे पौधे और फोटोसिंथेसिस की क्रिया से अपना भोजन बनाने वाले बैक्टीरिया कुल मिला करके 13,500 × 10^10 किलो ऑक्सीजन हर साल वायुमंडल में रिलीज करते हैं। हमारे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है। इसी के साथ साथ पृथ्वी पर रहने वाले अधिकतर जीव
अपनी श्वसन क्रिया को पूर्ण करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। वायुमंडल में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए हमारे चारों तरफ खड़े पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी श्वसन क्रिया के दौरान अवशोषित कर लेते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने के बाद वे वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। इसके अलावा महासागरों से निकलने वाली ऑक्सीजन गैस को महासागर में रहने वाले जीव अवशोषित कर लेते हैं और ऑक्सीजन को अवशोषित करने के बाद वे कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को महासागर की गहराई में पाए जाने वाले फोटोलेसिस की क्रिया को पूर्ण करने वाले बैक्टीरिया और पेड़ पौधे अवशोषित कर लेते हैं और अपने भोजन के पश्चात वे ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। लगातार करोड़ों लाखों वर्षों से यह प्रक्रिया इसी तरह से दोहराई जाती रही है और इससे वायुमंडल में ऑक्सीजन का अपना एक ही स्तर बना रहा है। लेकिन बढ़ती आबादी, घटते जंगल, बढ़ते जीवाश्म ईंधन के उपयोग ने हमारी चिंता को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि जहां बढ़ती आबादी की वजह से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, वहीं बढ़ती इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार हरे पेड़ पौधों से भरे जंगल लगातार घट रहे हैं, तो वहीं हमारे दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जीवाश्म ईंधन का दहन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसके कारण वायुमंडल में बहुत सी हानिकारक गैसों के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ रही है। पिछले कुछ सालों से इस तरह की प्रक्रिया के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ रही है, तो वहीं ऑक्सीजन गैस की मात्रा घट रही है, जो हमारे लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को जीवित रहने के लिए श्वसन क्रिया को पूर्ण करने के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। यदि ये ऑक्सीजन गैस कम होती है तो ये हमारे लिए पृथ्वी पर किसी बहुत बड़े खतरे की घंटी से कम नहीं है। इसलिए हमें जनसंख्या वृद्धि को रोकने के साथ साथ जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता भी कम करनी होगी, साथ ही साथ घटते जंगलों को रोकते हुए उन्हें लगातार बढ़ाना भी होगा।